लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को दबाना भूलें ताकि समय समय पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताए थे रासायनिक संयोग का नियम का जो थर्ड था, गुणित अनुपात का नियम या अपवर्तन अनुपात का नियम। आज हम लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक जो रासायनिक संयोग के नियम पर ही है। रासायनिक संयोग नियम का जो चौथा भाग है उसका नाम है क्या है, व्युत्कर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आज का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है व्युत्कर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यानी व्युत्कर अनुपात का नियम क्या है, इसका खोज किसने किया और इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे या कैसे यह नियम क्या कहता है, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो व्युत्कर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो नियम है, इस नियम का प्रतिपादन जो है जर्मन रासायनिक, जर्मन केमिस्ट जो है वह कौन से थे, वह रिचर थे। रिचर ने 1792 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था। वह नियम क्या था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यानी व्युत्कर अनुपात का नियम। व्युत्कर अनुपात के नियम का प्रतिपादन 1792 ईस्वी में रिचर ने, जो जर्मन रासायनिक थे, उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार यह नियम क्या कहता है, कहता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व क्या करते हैं, आपस में संयोग करते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व एक तत्व के निश्चित मास से, फिक्स मास से क्या करते हैं, संयोग करते हैं, तो संयोग की अवस्था में या तो वही रहते हैं या तो पहले जो पूर्व उनका भार होगा उनके एक सरल गुणक, सिंपल मल्टीपल के रूप में होते हैं। यह नियम कहता है व्युत्करण अनुपात का नियम, कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के भार एक भिन्न तत्वों के एक निश्चित भार से क्या करता है, संयोग करता है, तो संयोग की अवस्था में या तो पहले जैसा ही रेशियो में रहता है, पूर्व भार के अनुपात में रहता है, या एक सिंपल गुणक यानी पूर्व भार के अनुपात के एक सिंपल गुणक, सिंपल मल्टीपल के रेशियो में यानी गुणक के रूप में क्या करता है, रहता है। इस नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्कर अनुपात का नियम। चलिए हम लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। लिखा है कि इस नियम का प्रतिपादन जर्मन रसायनज्ञ रिचर ने 1792 ईस्वी में किया। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक तत्वों के वे भार जो किसी भिन्न तत्वों के एक निश्चित भार फिक्स्ड वेट से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो कहता है कॉम्बिनेशन की अवस्था में या तो सेम रहते हैं, वही रहते हैं, या पूर्व मास, पूर्व भारों के सर्व क्या करते हैं, गुणक होते हैं। यानी कि नियम कहता है कि इसमें क्या है कि दो तत्वों या दो से अधिक तत्वों के एक क्या है, वेट है, और एक निश्चित मास तत्व के एक फिक्स्ड मास से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और कंबाइन की अवस्था में क्या करते हैं, या तो सेम होते हैं या तो पूर्व भार जो होगा उनका सिंपल एक सरल मल्टीपल, सिंपल मल्टीपल के रूप में होता है। इंग्लिश में क्या लिखा है, लिखा है द वेट ऑफ टू, द वेट ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट यानी दो या दो से अधिक तत्वों के व्यवहार विच सेपरेटली कंबाइन विच ए फिक्स्ड वेट, मतलब जो भिन्न भिन्न सेपरेटली मतलब अलग अलग भिन्न कंबाइन विच ए फिक्स्ड वेट यानी भिन्न तत्वों के एक निश्चित वेट से क्या करता है, कंबाइन करता है, संयोग करता है अनोदर एलिमेंट दूसरे तत्व के, आइदर द सेम यानी या तो दोनों सेम होते हैं या सिंपल मल्टीपल ऑफ वेट ऑफ दिस एलिमेंट यानी इस एलिमेंटों के सिंपल मल्टीपल यानी सिंपल गुणक के रूप में होते हैं, व्हेन दे कंबाइन अमंग देमसेल्व, जब वे एक दूसरे से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं यानी परस्पर संयोग की अवस्था में एक दूसरे के या तो भार के अनुपात में वही रहते हैं यानी या तो पहले ही वाला रहते हैं या तो एक सिंपल मल्टीपल के रूप में रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो एलिमेंट है। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, ऐसे हम ऐसे तीर बना लेते हैं। यहाँ पर सी है, यहाँ पर एच है और यहाँ पर क्या है, ओ है। सी एच से मिलता है तो आपको सी एच फोर बनाता है और सी ओ से मिलता है तो क्या बनाता है, सी ओ टू बनाता है, और हाइड्रोजन जो है ओ से मिलता है तो क्या बनाता है, H2O बनाता है। यानी यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन अगर हाइड्रोजन से संयोग करता है तो मीथेन बनाता है,
कार्बन ऑक्सीजन संयुक्त करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और वही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन संयुक्त करता है तो क्या बनता है, H2 बनाता है। यहाँ पर हमारा दो एलिमेंट, यहाँ पर एक फिक्स मास होगा कार्बन का और एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं कि दो कंपाउंड में एक यहाँ पर CH4 हुआ और एक यहाँ पर क्या हुआ, CO2 हुआ। तो CH4 में C का मास क्या है, 12, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का मास कितना है 4, और C का मास क्या है 12, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है 16×32। तो इस कंपाउंड में CH4 और CO2 में देखते हैं इन दोनों का रेशियो, यानी कि H और O का रेशियो क्या आ रहा है, 4:32, यानी हो गया 1:8। तो CH4 और CO2 में H और O का रेशियो निकालते तो क्या आ रहा है, 1:8। तो अब यहाँ पर आता है कि H और O से मिलता है H2O, तो इन H2O तो H2O में H कितना हुआ 2 और ऑक्सीजन कितना हुआ 16। तो इसमें अगर हम रेशियो निकालते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 2:16, यानी हो गया 1:8। तो यहाँ पर पुष्टि क्या हो रही है कि या तो वही रहता है यहाँ पर पहले वाला जो CH4CO2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 1:8 है, ठीक वही रेशियो यहाँ पर क्या है 1:8 है, यानी कि दोनों क्या हो गया, दोनों हो गया सेम, क्या हो गया सेम, वही बोला है परस्पर संयोग की अवस्था में या तो क्या रहते हैं वही रहते हैं, वही के मतलब सेम, क्या रहते हैं मल्टीपल सेम, क्या रहते हैं सेम रहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है तो CH4 बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन से CO2 बनाता है, और वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करता है तो H2 बनाता है। तो CH4 और CO2 में हम क्या करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का क्या करते हैं रेशियो निकालते हैं, हमारा एच और ओ का रेशियो कितना है 1:8 आया है, ठीक वही रेशियो H और O में H2O में क्या करते हैं H और O का रेशियो निकालते हैं तो 2:16:1:8, यानी जो पहले आया था वही बाद में आ गया, तो वही निकला पूर्व भारों के क्या रहते हैं सेम, वही परस्पर संयोग की अवस्था में तो वही रहते हैं सेम रहते हैं, एंड आइदर द सेम, दोनों क्या हो गए सेम हो गए। ठीक इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक मान लिया हमारे पास फास्फोरस है, क्या है फास्फोरस है, और एक है आपका एच है और एक क्या है सीएल है। फास्फोरस जब पी से एच से करता है तो एक बना सकता है PH3, और यहां बना सकता है PCl3, और यह बना सकता है HCl, यानी फास्फोरस जो है अगर हाइड्रोजन से संयोग करता है तो PH3 बनता है, अगर फास्फोरस कोलिन से करता है तो PCl3 बनता है, और इसमें अगर हाइड्रोजन और Cl से करता है तो क्या बनता है HCl बनता है। तो इसमें हम देखते हैं कि PH3 और एक क्या हुआ PCl3, तो इसमें फास्फोरस कितना है, फास्फोरस का मास कितना होता है 31 और हाइड्रोजन कितना हुआ 3, यहाँ पर फास्फोरस कितना होता है 31 और कोलिन कितना होता है 3×35.5, यानी हो जाएगा आपका 106.5। तो इसमें हम क्या करते हैं इस कंपाउंड में अगर PCl3 में H और Cl का रेशियो निकालते हैं H:Cl, तो H और Cl का रेशियो निकालते हैं यहाँ पाता है 3 और यहाँ पाता है 106.5, और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 1:3 से इसमें क्या आ जाएगा 35.5, यानी कि इस कंपाउंड में H और Cl का रेशियो कितना 1:35.5, ठीक वही रेशियो अगर HCl से H का करें इन HCl में तो H कितना होता है 1 और Cl कितना होता है 35.5, यानी कि यह हो गया 1:35.5। यह भी रेशियो देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया हमारा सेम हो रहा है, क्या हो रहा है सेम हो रहा है।
तो क्या यहाँ पर फास्फोरस है एच किया तो पीएचसी बना दिया, फास्फोरस सीएल किया तो पीसीएल बना दिया, और वही एच और सीएल किया तो एससीएल बना दिया। तो वही यहाँ पर कहा है कि दो या दो से अधिक तत्वों के वे भार, दो तत्वों के वे भार एक सीएल और एक एच कह रहा है, और ये किसी भिन्न तत्व के एक निश्चित भार, भिन्न तत्व यहाँ पर क्या है फास्फोरस है, फास्फोरस का मास क्या है, फास्फोरस का मास यहाँ पर निश्चित है, यहाँ पर कार्बन का मास क्या है निश्चित है। तो यहाँ पर कार्बन का मास फिक्स है, यहाँ पर फास्फोरस का मास क्या है फिक्स है, लेकिन दो तत्व का मास क्या है भिन्न भिन्न है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एच का मास अलग है, क्लोरीन का मास अलग है, यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन का मास अलग है, ऑक्सीजन का मास अलग है। तो इन दोनों का रेशियो अगर एच और सीएल का निकालते हैं तो 1:35.5 आया है, और यही अगर यह सीएल कंबाइन किया है तो एच सीएल का तो 1:30.5 आया है। तो यह कहता है कि यह दोनों का या जो भार का जो रेशियो है वह क्या हो गया सेम हो गया, जो कहता है आइदर द सेम। एक थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लेने की कोशिश करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर थ्री लिए, एक आपका मान लिए कॉपर है और एक आपका क्या है ओ है, और एक आपका क्या है एस है, सी यू ओ एस है। तो सी यू अगर इसे करता तो बनता है सी यू ओ, अगर सी यू इसे करता तो बनता है सी यू एस, और इसे करता तो बनता है एस ओ टू, एस ओ टू। तो यहां पर देखते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, सी यू ओ को जहां पर इसको ऐसे कर लेते हैं। तो यहां पर सी यू और ओ में सी यू सी यू ओ सी यू एस दोनों में किसका रेशियो, यस और ओ का रेशियो। तो यहां पर ओ का मास कितना है, एस का मास कितना है 32, और ऑक्सीजन का मास कितना है 16। तो देखते हैं कितना आ रहा है 2:1। तो यहाँ पर सी यू ओ और सी यू एस में एस और ओ का रेशियो निकालते हैं तो क्या आया 2:1। ठीक वही रेशियो अगर एस ओ टू में निकाले इन एस ओ टू, तो एस ओ टू में अगर हम निकालते हैं तो एस कितना हो गया 32, और ऑक्सीजन कितना हो गया 16:32। यहाँ पर हो गया 1:1। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ तो सेम नहीं है, लेकिन अगर इसे वन से इसमें मल्टीपल कर दें, वन से मल्टीपल कर दें, यानी कि वन इंटू यहाँ वन है, वन इंटू 2:1 यानी क्या आ गया 2:1 आ गया, यानी यहाँ पे आप किस चीज के रूप में दिखा सकते हैं, यहाँ पर हमारा मल्टीपल के रूप में है। मल्टीपल मतलब जो रेशियो निकला उसमें कोई जो रेशियो आपका निकलेगा उसमें किसी सेम अंक से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले वाला आ सकता है। तो यह हो गया आपका मल्टीपल के रूप में, यानी कि यही कह रहा है कि यह रेशियो कि इसमें दो या दो से अधिक तत्वों का भार होगा जो किसी एक तत्व के फिक्स्ड भार मास से क्या करेगा कंबाइन करेगा। तो कहता है कि कंबाइन के स्टेट में या तो वही रहेगा या तो पूर्व भार का जो क्या होगा जो उनका रेशियो होगा वही उनके मल्टीपल के रूप में होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया सेम आया है रेशियो, यहाँ पर क्या हुआ सेम रेशियो आया है, और यहाँ पर 1:1 आया है, यहाँ पर 1:1 आया है, यानी यहाँ पर क्या हो सकता है 1:1 है 2:1 है, तो उसमें किसी अंक से अगर मल्टीपल करेंगे तो सेम क्या होगा उसी के मल्टीपल के रूप में आया, यानी 2:1 है। तो आप क्या कर सकते हैं 1 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या क्या आएगा 2:1 ही आएगा। तो यानी यह आपका कहता है कि मल्टीपल सेम मल्टीपल के क्या रूप में, कोई आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो दो एक एक मास क्या होना चाहिए फिक्स होना चाहिए, और दो एलिमेंट है जिसका मास डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, और उसमें का दो कंपाउंड का रेशियो में जो होगा उसका निकालेंगे, और थर्ड वाले में जो कंपाउंड का जो रेशियो उसका निकालेंगे, या तो सेम आएगा या तो सिंपल मल्टीपल के रूप में आएगा। वही हमारा नियम कहता है लॉ ऑफ रिसिप्रोकल प्रोपोर्शन, यानी व्युत्क्रम अनुपात का नियम, यही हमारा है क्या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। यह हमारा नियम जो है खत्म हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे रासायनिक संयोग के पांचवा नियम जो है गैसीय आयतन का नियम, गेलुसक का आयतन नियम यानी गैसीय आयतन का नियम, या गेलुसक का गैसीय आयतन का नियम। तो
यह हमारा नियम जो है क्या हुआ, अष्टक हुआ। और नेक्स्ट भी हम आपको लेने वाले हैं लास्ट टॉपिक हमारे रसायन संयोग का नियम का लास्ट टॉपिक क्या नियम होगा, लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या होगा, गैसों का गैसियस वैल्यूम यानी गैसियस वैल्यूम रेशियो का जो क्या होगा रूल होगा वह होगा आपका गेलुशक का गैसीय आयतन का नियम, रूल ऑफ गेलुशक गैसेस नियम यानी कि रूल ऑफ गेलुशक गैसेस यानी गैसीय आयतन का नियम जो हमारा पांचवा है वह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आने वाले हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।